हेलो फैमिली, आई एम बैक विथ अनदर एक्साइटेड वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार के स्टेटस वीडियो को कैसे बनाए। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दिल से हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेटस को बनाने के लिए आप लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको 4:5 वाला रेशो ले लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद प्लस पर जाना है, इमेज में चले जाना है और आपको यहाँ पर इमेज को ले लेना है। तो मेरा ये वाला इमेज है। इसके बाद इसको फील स्किन कर लेना है। फील स्किन करने के बाद आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल को ले लेना है। रेक्टेंगल को फील स्किन कर लेना है। कलर एंड फील में जाके ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद यहाँ पर आपका जो ब्लैक कलर है इसको यहाँ से वाइट कलर कर लेना है। और जो वाइट है इसको यहाँ से ब्लैक कर लेना है। उसके बाद आपको वाइट पर टैप करना है। और वाइट पर टैप करने के बाद इसको डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी ऑडियो पर स्टेटस को बनाना है उस ऑडियो को लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से वीडियो बना रखा है तो मैंने वो वीडियो ले लिया। तो उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लूँगा। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर लेना है। अब आपको सॉन्ग पर टैप करना है। सॉन्ग पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज को लास्ट तक ले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को लास्ट तक ले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। एड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पर आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाके आपको ये ऑक्सलेट वाला इफेक्ट ले लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना है। यहाँ पर आपको एंगल को 90 डिग्री कर लेना है। 90 डिग्री करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी पर टैप करना है। यहाँ पर आपको 30 कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको लिरिक्स को लिखना है। तो उसके लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। यहाँ पर आपको लिरिक्स को लिख लेना है। तो मैंने पहले से कॉपी कर रखी है तो मैं यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर जाके इसको सेंटर कर लेना है। फ्रंट में जाके आपको ये वाले फ्रंट को ले लेना है। ये वाले फ्रंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाने के बाद आपको कलर में जाके कलर को वाइट कलर कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले जो टेक्स्ट है इसको रख लेना है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट क्लियर करने के बाद जो मेरी पहली लिरिक्स आती है यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक कट कर दूंगा। उसके बाद आपको जो दूसरी लिरिक्स है इसको आपको ले लेना है। इसके अंदर जाके आपको एडिट टेक्स्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से दूसरी टेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी की सभी लिरिक्स को लिख लेना है। लिरिक्स को लिखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। तो लिंक मिलने के बाद इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद लिरिक्स पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट को कर लेना है। ये सारे इफेक्ट आप कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। इसके बाद आपने जो अभी वीडियो बनाया है उसके अंदर जाना है। उसके बाद आपको इफेक्ट में जाके इस सबको पेस्ट कर देना है। तो ऐसे ही आपको लिरिक्स को लिखने के बाद यहाँ पर आपको सभी के सभी लिरिक्स को लिख लेना है। लिरिक्स को लिखने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको प्लस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को ले लेना है। उसके बाद इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक कलर कर लेना है। ब्लैक कलर करने के बाद यहाँ पर आपको इसको लास्ट तक ले लेना है। आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट में जाके एंड इफेक्ट में जाके आपको ये सिंपल वाला जो है इसको ले लेना है, स्टार वाला। जिसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में की लगानी है। उसके बाद एक एंडिंग में की लगानी है। यहाँ पर आपको वाइपर चले जाना है। वाइपर जाने के बाद यहाँ पर आपको 1200 के आसपास इसको रख लेना है। कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। यहाँ पर आपको स्केल पर टैप करना है। स्केल को यहाँ पर 3.20 कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अमाउंट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इसको 40 कर लेना है। 40 करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लिंडिंग कैपेसिटी में जाना है, लाइटिंग में जाना है, इसको स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद इसको उठा करके आपको रेक्टेंगल के नीचे लगा देना है। तो लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो स्टेटस है वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी के सभी लिरिक्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपको स्टेटस को देख लेना है। स्टेटस को देखने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।